क्या आप जानते हैं छिपकलियों की पूंछ अलग क्यों हो जाती है? इस संदर्भ में ये जानना आपको आश्चर्यजनक लगे कि छिपकली की पूंछ इन परिस्थितियों में दुर्घटनावश नहीं टूटती, बल्कि ऐसी परिस्थिति में यह स्वयं अपने शरीर से झटका देकर अलग कर देती हैं। अधिकतर छिपकलियों की पूंछ इनकी शरीर की तुलना में लंबी होती है और जब ये भयभीत होकर अपनी जान की सुरक्षा के लिए भाग रही होती हैं तो दुश्मन का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने के लिए अपनी पूंछ को स्वयं ही अपने शरीर से अलग कर देती हैं। पूंछ का टूटा हुआ भाग काफ़ी देर तक हिलता डुलता रहता है, ये तो आप जानते ही होंगे। हर जीवित का कोई अंग अलग होने पर कुछ समय तक हिलता रहता है और इससे दुश्मन का ध्यान भटक जाता है, जिससे ये खुद चुपके से वहाँ से सुरक्षित भाग निकलती है। मज़ेदार बात यह है कि शरीर से अपने पूंछ को अलग करते समय इनको दर्द नहीं होता है। ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट के लिए, सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एनिमल फैक्ट लवर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मेरा वीडियो सबसे पहले